टांडा बरूड में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत महापुराण कथा के अंतिम दिन आज पंडित अंतेश व्यास जी द्वारा सुदामा शिख चरित्र सुनाया गया। खरगोन बड़वानी सांसद सहित भाजपा नेता शामिल हुए। टांडा बरूड में मां नर्मदे हर ग्रुप द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आखिरी दिन की कथा में व्यास पीठ से आचार्य पंडित अंतेश जी व्यास ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने 7वें दिन कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। मां देवकी के कहने पर 6 पुत्रों को वापस लाकर मां देवकी को वापस देना, सुभद्रा हरण का आख्यान कहना एवं सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए आचार्य अंतेश जी व्यास ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाती है, यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंचे। उन्होंने कहा कि सुदामा ने द्वारकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण जी के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुख से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सखा सुदामा को देखकर उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया और सुदामा को अपने महल में ले गए और उनका अभिनंदन किया। इस प्रसंग को सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। उन्होंने सुदामा और कृष्ण की झांकी पर फूलों की वर्षा की। इसके बाद मां नर्मदे हर ग्रुप द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, बरूड मंडल अध्यक्ष दिलीप कुमावत, विजय सोनारे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, भाजपा जिला मंत्री चंदर सिंह वासकले, शिव भानु सिंह मंडलोई सहित सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। डिजियाना न्यूज डिमार्ट रिपोर्ट, टांडा बरूड। मार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।